हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप सबके सब बढ़िया होगी। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप अपने किसी भी रियलमी के डिवाइस के अंदर जो एज लाइटनिंग है ना, उसको कैसे इनेबल कर सकते हो। क्या है कि जो अभी रिसेंट में जितने भी न्यू डिवाइसेज आ रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलती है। और अगर आपके डिवाइस में नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, तो आपको पता है कितनी ज्यादा मतलब की हैक्टिक हो जाता है नोटिफिकेशन वगैरह का पता लगाना। और इजिली अगर आपके डिवाइस में सुपर एमोलेड या फिर एमोलेड डिस्प्ले है, तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज कर सकते हो। बट जो मतलब की बजट ओरिएंटेड डिवाइस है, जहां पर आपको आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलती है, वहां पर आपको कोई भी मतलब की नोटिफिकेशन लाइट भी नहीं मिलती और ना ही आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो उन डिवाइसेस के अंदर आप इसको कैसे यूज कर सकते हो और काफी प्रॉपर तरीके से वर्क करती है, क्योंकि रियलमी की तरफ से ही आपको देखने को मिलती है। तो काफी कमाल इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं Realme GT Master Edition यूज करने वाला हूँ। वैसे मेरे डिवाइस के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप अपनी एज जो लाइटनिंग है नोटिफिकेशंस के लिए उसको कैसे सेटअप कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेटिंग्स में चले जाना है। और ये Realme के सभी डिवाइसेज में आपको सेम जगह देखने को मिलेगा, अलग अलग जगह पे नहीं मिलेगा। तो आपको सेटिंग्स में चले जाना है, देन उसके बाद आपको नोटिफिकेशंस में जाना है। और नोटिफिकेशंस में आप बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पर एक सेक्शन आता है यू माइट बी लुकिंग फॉर। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं यहाँ पर, देख सकते हो। आपको नोटिफिकेशन साउंड मिल जाती है, लाइटनिंग मिल जाती है, और रिड्यूस नोटिफिकेशन फीडबैक ऑन फुल स्क्रीन ये मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड है एज लाइटनिंग, हम एज लाइटनिंग पे क्लिक करते हैं और देख सकते हो कुछ ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा आपके स्क्रीन के चारों तरफ। और इसको मैं ऑन करना है, तो यहाँ से जाना है आपको, और आपको कोई भी कलर चूज कर लेना। जस्ट लाइक मेरे को अगर जो आपको बेटर कलर लगता है वो आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, नियोन पर्पल, ओशियन ब्लू और एम्बर ऑरेंज। तो मैं एम्बर ऑरेंज कर लेता हूँ, और करने के बाद मैं यहाँ से एक बार बैक करता हूँ। तो आपको ये मतलब कि यहाँ से सेटअप हो चुका है डायरेक्टली। अब क्या करना है, अगर आपके मोबाइल पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ये आपको उस फॉर्म में शो होगा। तो मैं आपको पहले एक बार नोटिफिकेशन सेंड करके दिखा देता हूँ। तो जो मेरे डिवाइस है वो स्टैंड बाय कंडीशन पे है, आप देख सकते हो अभी पावर ऑन ही है। तो अब मैं दूसरे डिवाइस से एक मैसेज सेंड करता हूँ इसके अंदर, और अब आप देखना कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो कैसा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसी एज लाइटिंग मिलती है, और बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी क्योंकि आपके डिवाइस के अंदर इनबिल्ट मिलता है, आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज नहीं कर रहे हो उसके लिए। तो ये तो हो गई कि आप अपने डिवाइस में एज लाइटिंग कैसे सेटअप कर सकते हो। और काफी ऐसे डिवाइसेस हैं जो पुराने हैं, जिनमें रियलमी यूआई 2.0 आपको देखने को नहीं मिलती, तो उन डिवाइसेस में आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि पुराने जो रियलमी यूआई थी उसके अंदर ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये तो बात हो गई न्यू डिवाइसेस के लिए, जिनमें आपको रियलमी यूआई 2.0 या फिर उससे ऊपर देखने को मिलता है। बट काफी ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें आपको रियलमी यूआई 2.0 देखने को नहीं मिलता, तो वहां पर आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो वहां पर यूज करने के लिए क्या करना है, आपको यहां पर कार्ड में एक वीडियो मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, जिसके अंदर मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में बताया था ऑलवेज ऑन एज। तो इसके अंदर आप एज लाइटनिंग या फिर मतलब कि जो कैमरा की साइड में रिंग दिखती है आपको, वो भी सेटअप कर सकते हो अपने किसी भी डिवाइस में, नॉट ओनली रियलमी बट ऑल्सो मतलब कि जितने भी और डिवाइसेज है, शाओमी वगैरह के या फिर सैमसंग वगैरह के, सब में इजिली सेटअप हो जाएगा और कोई भी इश्यू नहीं मिलता। और ये जो ऐप है ना, कंप्लीटली फ्री है, बस आपको एक दो एड्स देखने को मिलेगी स्टार्टिंग के अंदर, उसके अलावा आपको कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर आपके पास कोई दूसरा डिवाइस है या फिर रियलमी का ही कोई पुराना फोन है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देख सकते हो। तो ये थी एक सिंपल सी शॉर्ट वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूं।